आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे कि कोरल ड्रॉ पर इस तरह का रिबन डिजाइन कैसे करते हैं। तो मैं हूं गुफरान टाइपिस्ट और आप देख रहे हैं स्किल नॉलेज। वीडियो को पहले ही कर दीजिए लाइक और मैं वीडियो को शुरू करता हूं। देखिए दोस्तों, यहां पर हमने कोरल ड्रॉ ओपन कर रखा है। सबसे पहले आपको ये देख लेना है कि ऊपर यहाँ पर मिलीमीटर है कि नहीं। अगर मिलीमीटर नहीं है तो यहाँ से मिलीमीटर को चूज कर लेना है। ओके, तो हाँ, अभी हम सबसे पहले एलिप्स टूल को सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद अपनी वर्क एरिया पर अंडे की तरह एक सर्किल बना लेना है। दोस्तों अब इसका साइज देना है, तो ऊपर यहाँ पर लेंथ में 100 कर देते हैं। इसके बाद हाइट में 30 mm कर देना है, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसके बाद पिक टूल को सेलेक्ट करना है। इसके बाद कंट्रोल दबा के रखना है, फिर इसको ऊपर के पॉइंट से पकड़कर नीचे तक ड्रैग करते हुए राइट क्लिक करके छोड़ देना है। इसके बाद टूल बॉक्स में फ्री हैंड टूल को सेलेक्ट करना है। अब कंट्रोल दबा के यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करना है। इसके बाद पिक टूल लेना है। दोस्तों पिक टूल लेने के बाद इस लाइन को सिलेक्ट करके न्यूमेरिक प्लस को प्रेस करके इसे डबल करना है। डबल करने के बाद शिफ्ट को दबा के इसको सिलेक्ट करना है, फिर आर को प्रेस कर देना है। तो देखिए दूसरी लाइन राइट साइड में शिफ्ट हो चुकी है। ओके, इसके बाद अभी हम पहली वाली लाइन को फिर सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद शिफ्ट को दबा के इनको सिलेक्ट करना है, फिर सी को प्रेस करके इस लाइन को सेंटर में कर देते हैं। ओके, अब हम फिर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो टूल बॉक्स में फ्री हैंड टूल को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद कंट्रोल दबा के रखना है और यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। इसके बाद पिक टूल सेलेक्ट करना है। दोस्तों अब आपको ये सेंटर वाली लाइन को पकड़कर उठाना है। इस लाइन को यहाँ पर सेंटर में लाकर राइट क्लिक करके छोड़ देना है। तो अब ये कुछ इस तरह से हो चुका है। अब आपको कुछ नहीं करना है बल्कि टूल बॉक्स के लास्ट में स्मार्ट फिल टूल को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद इसमें बाय डिफॉल्ट कलर फिल कर देना है। इसके बाद पिक टूल लेना है। इतना करने के बाद शिफ्ट को दबा के इन तीनों ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है। इसके बाद इसको बाहर निकाल कर लाना है और जस्ट राइट क्लिक करके छोड़ देना है। इसके बाद बचे हुए सारे ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देना है। ओके, इसके बाद इधर देखिए, इसके ऊपर वाले हिस्से को इस तरह से साइड में करना है और जस्ट राइट क्लिक करके छोड़ देना है। इसके बाद नीचे वाले दोनों ऑब्जेक्ट को शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करना है। इसके बाद ऊपर वेल्ड ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। बस अब ये कुछ इस तरह से हो चुका है। इसके बाद इन सब को सेलेक्ट ऑल करना है, फिर इस पूरे डिज़ाइन को अलग ड्रैग करते हुए लाना है और जस्ट राइट क्लिक करके छोड़ देना है। इसके बाद ऊपर मिरर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों ऑप्शन पर एक एक बार क्लिक कर देना है। तो अब ये कुछ इस तरह से हो गया। इसके बाद इसके नोड को पकड़कर उठाना है और यहाँ नोड पर लाकर रख देना है। ओके, इसके बाद डिसलेक्ट करके इसको और इसको सेलेक्ट करना है, फिर ऊपर वेल्ड ऑप्शन पर क्लिक करके वेल्ड कर देना है। इसके बाद इन सभी को सेलेक्ट करना है। अब इसके सेंटर में नोड को पकड़कर उठाना है और नीचे यहाँ नोड पर लाकर राइट क्लिक करके छोड़ देना है। इसके बाद डिसलेक्ट करके बीच वाले हिस्से को थोड़ा सा जूम करना है। अब यहाँ पर शिफ्ट के साथ इन दोनों को सेलेक्ट करना है, फिर ऊपर वेल्ड ऑप्शन पर क्लिक करके वेल्ड कर देना है। दोस्तों इतना करने के बाद हम इनको जूम इन कर लेते हैं। इसके बाद इन सब को सेलेक्ट करते हैं। अब अगर आप चाहें तो इसे रोटेट भी कर सकते हैं। जैसे देखिए ऊपर यहाँ पर एंगल ऑफ रोटेशन में 90 लिखकर इंटर कर देना है, तो ये रोटेट हो चुका है। दोस्तों अभी हम F4 को प्रेस करके इसे फुल स्क्रीन पर कर लेते हैं ताकि समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब इंटरेक्टिव फिल टूल लेना है
तो अभी हम जी को प्रेस करके इंटरेक्टिव फिल टूल सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद इस ऑब्जेक्ट पर ऊपर से नीचे तक ड्रैग करना है। अब नीचे आपको डार्क कलर देना है और ऊपर में लाइट कलर देना है। दोस्तों कलर आपके ऊपर डिपेंड है, जो भी कलर आपको अच्छा लगे उसका यूज़ करिए। जैसे अभी हम डार्क रेड कलर उठाकर नीचे फिल करते हैं, इसके बाद लाइट रेड कलर उठाकर ऊपर फिल करना है। इसके बाद इसको अपने हिसाब से बढ़िया सा एडजस्ट कर लेना है। इसके बाद इस कलर वाले पोर्शन को माउस के राइट बटन से पकड़कर उठाना है और इसको यहाँ पर लाकर छोड़ देना है। अब यहाँ पर कॉपी फिल हेयर पर क्लिक कर देना है, तो देखिए सेम कलर आ चुका है। इसी तरह इसको भी राइट बटन से पकड़कर उठाना है और साइड में यहाँ पर लाकर छोड़ देना है। अब यहाँ पर कॉपी फिल हेयर पर क्लिक कर देना है, इसी तरह सभी में कर लेना है। दोस्तों कलर देने के बाद अब इस पहले वाले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, इसके बाद जी को प्रेस करना है, इसके बाद इसके पॉइंट को ऊपर से नीचे करना है। इसी तरह बीच वाले पोर्शन को भी करना है। इसके बाद इधर देखिए कॉर्नर पर जो ब्लैंक दिख रहा है इनमें डार्क रेड फिल कर देना है। इसके बाद इस पूरी डिजाइन को सिलेक्ट ऑल करना है। इसके बाद कंट्रोल जी प्रेस करके इन्हें ग्रुप में कर लेना है। अब आपको इसकी आउटलाइन को नन कर देना है। इसके बाद कंट्रोल दबा के रखना है और इसको नीचे की तरफ ड्रैग करते हुए राइट क्लिक करके छोड़ देना है। इसके बाद टूल बॉक्स में ट्रांसपेरेंसी टूल को सिलेक्ट करना है। इसके बाद इस तरह से ड्रैग करते हुए इसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। तो दोस्तों अब यह डिज़ाइन पूरी तरह से रेडी हो चुकी है। अगले वीडियो में हम और डिज़ाइन सीखेंगे। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर ना जाइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।